नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलिकडीह स्थित श्रीकृष्णा कोल एंड कोक डिपो में निरसा इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दिलीप यादव को उच्च अधिकारी सूचना के आधार पर एक ही सप्ताह के अंदर लगातार दो बार छापेमारी की गई। दिन रविवार छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला 50 टन समेत मौकाए वारदात से अवैध कोयला लोड हो रहा ट्रक व एक साइकिल भी जब्त की गई। आश्चर्य की बात यह है, गौरतलब है कि इसी कोल डिपो में निरसा अंचल अधिकारी नितिन शुभम गुप्ता ने एक सप्ताह पहले छापेमारी कर एक ट्रक सहित भारी मात्रा में जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अवैध कोयला कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद है कि लगातार हो रही छापेमारी के बावजूद अवैध कोयला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोयला तस्करी करने वाले खुलेआम प्रशासन को दे रहे हैं चुनौतियां। पिछले कई दिन पूर्व ही इसी डिपो में छापेमारी होने के दो दिन बाद से ही अवैध कोयला का काला धंधा फिर से शुरू कर दिया गया, जहां पे प्रशासन भी चोर पुलिस ने इस खेल में अपनी शिकस्त को नहीं मानते हुए फिर से आज छापेमारी करके अपनी सफलता को हासिल किया। वहीं छापेमारी के विषय में जानकारी देते हुए निरसा थाना प्रभारी दिलीप यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। लगातार सूचना मिल रही थी कि जंगलों में बाउंड्री करके अवैध कोयला इकट्ठा किया जा रहा है और गाड़ियों में लोड करवा कर कोयले की तस्करी की जा रही है। उसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है और आगे भी अवैध कारोबार के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और डिपो संचालक सह ट्रक मालिक एवं ट्रक चालक के नाम पर मामला दर्ज किया जाएगा। ट्रकों के माध्यम से बाहर भेज रहे हैं, उसी सूचना पर हम लोग गए। वहाँ पर एक ट्रक मिला जिसमें करीब टन कोयला लोड था और नीचे जमीन में भट्टा में करीब 40 टन कोयला पाया गया, जिसे जब्त किया गया है और उसको लाने की तैयारी की जा रही है और भट्टा संचालक जो भी उसमें व्यापारी सम्मिलित है सबों के विरुद्ध, ट्रक मालिक ट्रक के चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दर्शकों को स्वागत है। ये देखें, साइकिल के माध्यम से कोयला लिया गया है, जबकि सबूत के लिए बोरा भी भरा हुआ है, बोरिया से भरा हुआ टोकरी है, साथ में जब्त किया गया एक ट्रक जो बिहार नंबर है और एक साइकिल। महासंजोग है कि लेबर तो भाग गए हैं, साथ में ड्राइवर भी भागे, यहाँ का मुंशी भी भागे। एक हफ्ता पहले ही यहाँ रेड हुई थी। जो अख्तर अंसारी हैं गोविंदपुर से और एक माइथन से MD आलम बोलते हैं, ये महज खाना पूर्ति होती है छापेमारी का और ना इन दोनों पर कार्रवाई होती है, नहीं तो इतना हिम्मत नहीं होती। एक हफ्ता पहले रेड हुआ और ये कार्रवाई रेड होने के बाद फिर पुनः आज से चार दिन पहले से स्टार्ट हो गया धंधा। ये देखें हमारे झारखंड का क्या होगा, जो राष्ट्रीय खनन का लूट मचा हुआ है क्षेत्र में। और संजोग बस देखें कि छापेमारी तो दिखती है मगर कार्रवाई उस तरह का नहीं होती है। फिर पुनः हमको लगेगा कि 15 दिन बाद फिर चालू होगा ये डिपो, ये आगे देखने का चीज़ है। कैमरामैन के सहयोग से धनबाद से मनोज कुमार सिंह।